जगहों पे जहाँ पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे वहाँ पे पुलिस की के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। ये एक ऐतिहासिक पल है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए, और जो कुछ ड्यूटियां ऐसी भी होंगी जहां पे हमें अपने सॉफ्ट स्किल, मधुर व्यवहार के से आम जो दर्शनार्थी आएंगे उनके दिल को जीतना है, तो ऐसे जगहों पे जहां पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे वहाँ पे पुलिस की के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे, क्योंकि अन्य जो ड्यूटियाँ होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी, लेकिन हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो और उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो मौके पे उसको दूर किया जाएगा। कुछ प्रशिक्षु आईपीएस ऑफिसर जो विभिन्न राज्यों से भी आए हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि अन्य प्रदेशों से आने वाले विभिन्न भाषा को बोलने वाले जो श्रद्धालु आएंगे उनसे भी हम अच्छी तरीके से निपटें। तो एक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह का प्रयोग 2019 के महाकुंभ में भी किया गया था और मुझे पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को जो जिम्मेदारी और चुनौती मिली है उसका उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस अग्नि परीक्षा में हम सफल होंगे। नहीं, ड्रेस में सादे कपड़ों में भी ड्यूटियां लगती हैं। अब यह है कि जो सादे में लगे हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से एक ऐसे वस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है जो एक प्रेजेंटेबल हो और आम जनता को ये लगे कि यहाँ की जो पुलिस है वो अपने व्यवहार से भी लोगों का दिल जीतती है। और हम लोग रिवर पुलिस, टूरिस्ट पुलिस की भी परिकल्पना शासन की है जो आने वाले समय में आपको दिखाई देंगी। हाँ जी, इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसीलिए हमारे जो आईपीएस ऑफिसर्स, यंग आईपीएस ऑफिसर है जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के हैं और पूरे देश से वो यहाँ काडर अलॉट होता है, तो उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है पुलिस मुख्यालय के द्वारा। और आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर विभाग ने, नगर निगम ने वहाँ बहुभाषी साइनेजेस लगाए हैं ताकि आने वाले किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो और सबके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार अयोध्या जी में किया जाए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, क्या कुछ अभी और ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी वर्क चल रहा है? नहीं, हम लोग अपनी पूरी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं और जितने भी अभिनव प्रयोग हैं हम लोग कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम आने वाले श्रद्धालुओं को देंगे। अयोध्या की तरफ जाने वाले प्रत्येक रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर में कन्वर्ट किया गया है, वहाँ व्यापक सुरक्षा के व्यवस्थाएँ की गई हैं और हमारी सादे में और वर्दी में पर्याप्त संख्या में ड्यूटियां लगेंगी। Zee News.